आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ हैदराबाद में रैली की। ओवैसी ने नागरिकता कानून को लेकर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने सीएए को मुसलमान विरोधी बताते हुए कानून से धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द हटाने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मुसलमानों को दोयम दर्ज का नागरिक बनाने की नहीं बल्कि देश से बाहर निकालने की साजिश कर रही है। हालांकि ओवैसी ने लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील भी की। एनआरसी और सीएए के खिलाफ वो अपने घर के बाहर आए, तिरंगा लहराएं, इससे बीजेपी को एक संदेश जाएगा। उन्होंने गलत और काला कानून बना दिया है। उन्होंने कहा कि हिंसा हरगिज नहीं होनी चाहिए, कोई आपको छेड़े तब भी नहीं होनी चाहिए, हिंसा हुई तो किस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हक सभी को है, लेकिन इस प्रदर्शन के जरिए, इस विरोध के जरिए अगर हिंसा फैलाने की कोशिश होती है तो वो संविधान के खिलाफ हो जाता है, असंवैधानिक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदर्शन को जारी रखें, घरों से बाहर निकलकर तिरंगा लहराएं और बीजेपी को यह एहसास कराएं कि जो फैसला यहां पर लिया गया है वो मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक नहीं बल्कि देश से निकालने की कोशिश इस कानून के जरिए की जा रही है। तो इस रैली के जरिए वहां मौजूद लोगों को एक संदेश देने की कोशिश एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कानून केंद्र सरकार ला रही है, लाई है, चाहे वो एनआरसी हो या सीएए हो, ये मुसलमान विरोधी है और देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश। ऐसे में उन्होंने इस कानून को काला कानून बताते हुए कहा कि मुसलमानों को देश से निकालने की साजिश हो रही है। तो ओवैसी ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की। एनआरसी सीएए के खिलाफ हैं तो घर के बाहर आए और तिरंगा लहराएं, हिंसा हरगिज नहीं होनी चाहिए, अगर हिंसा हुई तो किस्सा खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बात से वो खुद भी बेहद वाकिफ है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने की सबको आजादी, लेकिन इस आजादी की आड़ में किसी ने हिंसा फैलाई तो वो असंवैधानिक हो जाता है और संविधान का उल्लंघन होता है। तो ऐसे में लोगों से वो यही अपील करते हुए नजर आए कि अगर आपको कोई छेड़े भी, आपके साथ कोई हिंसा करे भी, तो आप उसका जवाब ना दें बल्कि अपने विरोध को कायम रखें शांतिपूर्ण तरीके से। तो एनआरसी और सीएए के खिलाफ ये रैली की गई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने इस दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो कानून लाया गया है वो मुसलमानों के विरोध में लाया गया है।